देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं था नहीं, मैं अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया वारिस साहब ये 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, कुछ बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए वो पुलिस स्टेशन पर, तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर आवा हम DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, अब उनको लेके गए मैजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात लेकर जाया जाए।